क्या आप जानते हैं कि आपके सफेद दाग और हमारे इंटेस्टाइन यानी कि गट में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है या आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं, आपका पेट ठीक नहीं रहता है, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आपका सफेद दाग बढ़ जाता है? कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर उनके बच्चों को जब पेट खराब रहता है या उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उन्होंने नोटिस किया है कि उसके बाद ही उनके बच्चों में सफेद दाग की उत्पत्ति हुई है। अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन है कि आखिर गट हेल्थ और विटिलाइगो यानी कि ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग के बीच में क्या कनेक्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट कार्यक्रम ग्लोबल पे, और आज की इस वीडियो में मैं चार ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा आपके साथ जहां हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेद के एंगल से और एलोपैथी के एंगल से कि आखिर हमारे पेट, हमारे इंटेस्टाइन हेल्थ, हमारे गट हेल्थ और हमारे सफेद दाग और हमारे स्किन के बीच में क्या कनेक्शन है। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से दो पॉइंट पकड़ूं तो आयुर्वेद की ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर जो मल बच जाता है उसकी वजह से आम धातु यानी कि टॉक्सिन की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, हमारे शरीर के अंदर जो स्टूल बचा रह जाता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उसकी वजह से जो आम धातु यानी कि टॉक्सिन पैदा हो रहा है वो आगे जाके हमारे ब्लड में जाके फ्री रेडिकल यानी कि पित्त की उत्पत्ति कर देता है। और मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आखिर सफेद दाग की उत्पत्ति तभी होती है जब हमारे शरीर के अंदर का जो पित्त है, जो फ्री रेडिकल है, वो जाके हमारे रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला कर रहा है। तो ये तो हुआ एक पॉइंट की कैसे हमारी गट हेल्थ अफेक्ट करती है हमारे सफेद दाग को। नंबर टू पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद की ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि पचे हुए भोजन के ऊपर अगर और भोजन डाल दिया जाए तो उससे भी जो विष पैदा होता है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करके टॉक्सिन्स पैदा करता है और स्किन यानी कि कुष्ठ रोग की उत्पत्ति कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर हम खाने के ऊपर और खाना डाल लेते हैं उसकी वजह से भी हमारी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जिसकी वजह से स्किन इश्यूज शुरू हो सकते हैं। तो ये तो दो ऐसे पॉइंट थे जो मैंने आयुर्वेद के एंगल से कवर किए हैं कि कैसे गट हेल्थ और हमारी स्किन के बीच में कनेक्शन। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो इसी समय इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस कायाकल्प ग्लोबल चैनल पे आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के एंगल से सारे टॉपिक्स आपके सामने लेके आते हैं। आगे मैं बात करूंगा दो ऐसे टॉपिक जिससे कि कैसे मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथी की बुक्स में मेंशन्ड है कि कैसे गट हेल्थ और हमारे स्किन के बीच में कनेक्शन है। नंबर वन, मैंने अपनी डाइट की प्लेलिस्ट में बोला है कि कभी कभी हमारे शरीर में दो अपोजिंग फूड आइटम्स के खाने से उनकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब हम अपने शरीर में कुछ भी खाना खाते हैं उसके अंदर जो आयरन कंपाउंड होता है, जो आयरन मिनरल होता है, उसकी अब्सॉर्प्शन ताकि प्रॉपरली हो सके, मॉडर्न मेडिसिन में लिखा है कि हमें खाने के ऊपर चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय के अंदर पाए जाते हैं टैनिन्स। ये टैनिन्स जब हमारे शरीर में जाते हैं, जब हमारे पेट में जाते हैं, तो ये आयरन की अब्सॉर्प्शन को खाने में से कम कर देते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है, अगर आप हमारे लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर हैं तो आपको शायद याद होगा कि अगर आपको विटिलिगो ठीक करना है तो आपके हीमोग्लोबिन लेवल को 10 से 11 से ऊपर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा तभी होगा जब हमारे आरबीसीज के अंदर आयरन होगा। हमारे रेड ब्लड सेल को चाहिए आयरन, तो अगर हमारे शरीर के अंदर आयरन कम है, अगर हमें आयरन की डेफिशिएंसी है, तो हम रेड ब्लड सेल नहीं बना सकते हैं। अगर हम रेड ब्लड सेल नहीं बना पा रहे हैं, हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है और हम अपने विटिलाइगो को ठीक नहीं कर सकते हैं। दैट मींस कि हमें ध्यान रखना है कि हम खाने के ऊपर चाय ना पिए। ऐसे और भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ऐसे और भी बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर आपके आपने आज तक कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन सुनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करें ताकि मैं अपनी शॉर्ट्स में, अपनी रील्स में उसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकूं। फोर्थ पॉइंट, हम बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन के एंगल से। अगर आपको ना पता हो तो हमारे गट और हमारे ब्रेन में एक एक्सिस होता है जिसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये गट ब्रेन एक्सिस क्या कहते हैं, आपने भी कभी नोटिस किया होगा, अगर आपको बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहती है या आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता या अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी परेशानी है जहां तक आपको गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, आपको डायरिया होता है या कुछ भी स्पाइसी खान लेने से, कॉफी पी लेने से आपको डायरिया हो जाता है, आपका मूड खराब रहता है, आपको स्ट्रेस रहता है, यही कनेक्शन है गट ब्रेन एक्सिस में। और अब मैं आपको सेकंड एक्सिस बताऊंगा हमारे ब्रेन और हमारे स्किन के बीच में, इसे हम कहते हैं साइकोडर्मेटोलॉजी। ये एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जो स्टडी करती है कि आखिर हमारे स्किन इश्यूज जो शुरू हो रहे हैं हमारे ब्रेन से कनेक्शन क्या है उनका। और विटिलाइगो और सोराइसिस दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका 100% डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे ब्रेन से। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हमें स्ट्रेस होता है या जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हमारी लाइफ में आती है तो हमारा सफेद दाग बढ़ जाता है। कोविड में आप में से काफी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कोविड के दौरान आपका सफेद दाग बढ़ गया था, क्योंकि कोविड एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो था। तो अगर हमारे गट ब्रेन के बीच में कनेक्शन है और हमारे ब्रेन और हमारे स्किन के बीच में कनेक्शन है, दैट मींस कि हमारे गट और हमारे स्किन के बीच में भी कनेक्शन है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने डाइट का ध्यान रखें, हमारा लाइफस्टाइल एकदम रेगुलर होना चाहिए। ये खास करके उन लोगों पे अप्लाई करता है जो शिफ्ट में काम करते हैं,
जो लोग लेट तक जागते हैं, जो लोग लेट उठते हैं, हमें एक रेगुलर सर्कुलर पैटर्न लाना है, रेगुलर सर्कैडियन रिदम होनी चाहिए हमारी, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, प्रिजर्वेटिव खाना ना खाएं, स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा और प्राणायाम करें, जंक फूड को अवॉइड करें, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रखें। ये कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा गट ब्रेन एक्सेस न्यूट्रलाइज रहे, ताकि हमारे स्किन में इन इश्यूज की शुरुआत ना हो। गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जो यूट्यूब पे इस समय और कोई कवर नहीं कर रहा।